हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फिफ्थ ऑफ अगस्त 2021 तो पाँच अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज डू डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा हु बिलोंग टू कुकी चिन्ह ट्राइब ऑफ तिबो एथनिक ग्रुप दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लिव इन टिपिकल टोंग घर टोंग घर स्पेशली मेडअप ऑफ बैंबू एंड चांद ग्रासेस तो आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही है बोथ या नन क्वेश्चन नंबर इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइपर विटामिनोसिस हाइपर विटामिनोसिस के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली हाई स्टोरेज लेवल्स ऑफ वाइटमिन विच कैन लीड टू वेरियस सिम्टम्स एज ओवर एक्साइटमेंट और इवन टॉक्सिसिटी दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कॉज्ड ओनली इट इज कॉज्ड बाय ओनली वाटर सॉल्युबल वाइटामिन लाइक विटामिन सी विटामिन बी सिक्स एंड नॉट बाय और

तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर दिस इज दीज आर द ऑप्शन वन ऑनली टू ऑनली बोर्न नैन सो जस्ट टेल मी द आंसर्स फॉर दिस थ्री क्वेश्चन है ना आप अपनी तरफ से अटैम्प्ट करिए मैं आपको आंसर्स एंड में बता दूंगा ठीक है आई विल टेल यू द आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे देख लेते हैं आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू इनिशिएट टेक्निकल एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग इन 11 डिफरेंट मदर टंग्स इज अ वेलकम स्टेप फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया कमेंट आपको कमेंट करना है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो टेक्निकल एजुकेशन को भी अब मदर टंग में प्रोवाइड करना शुरू करेंगे कुछ लैंग्वेजेज सेलेक्ट की गई जैसे 11 लैंग्वेजेज हैं स्टार्टिंग के लिए जिनमें कि कोर्सेज को कन्वर्ट किया जाएगा और इंजीनियरिंग जैसा एजुकेशन भी अब मदर टंग में प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से वेलकम स्टेप है क्यों अच्छा है क्या इसका फ़ायदा है ये सारी चीज़ आपको बतानी है इन दिस इन दिस आर्टिकल आगे क्या करना ज़रूरी है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्लीज़ डू ट्राई टू राइट सम पॉइंटर्स आप अपनी तरह से कुछ पॉइंट देने की कोशिश करिए और बस कुछ नहीं लैंग्वेज का बेनिफिट uh, बताना है कि मदर टंग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और टेक्निकल एजुकेशन अगर मदर टंग में मिलेगा तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है सारे पर्सपेक्टिव्स को आप अलग अलग तरीके से टच कर सकते हैं तो प्लीज़ डू राइट द आंसर लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ आर्टिकल्स फॉर द डे स्टार्ट करते हैं पहली जो न्यूज़ है मैं आपको हलाम ट्राइब्स के बारे में बता दूं हलाम ट्राइब्स को मीला कुकी भी कहा जाता है दे आर स मिला कुकी दो दे आर ऑल नॉट कुकीज़ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के टर्म्स में कुकी लैंग्वेज सारे नहीं बोलते हैं है ना चाहे आप लैंग्वेज कल्चर या लिविंग स्टाइल बोले लेकिन दे आर ऑल्सो नोन एज मीला कुकी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उनकी जो पॉपुलेशन है वो है 57,210 एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दे आर डिवाइडेड इन सेवरल सब क्लैंड विच आर रिफर टू एड एज बरकी हलाम उनके कुछ सब क्लैंड भी हैं जिनको बरकी हलाम कहा जाता है लैंग्वेज इनकी मोरलेस सिमिलर टू दैट ऑफ द तिब्बतो बर्मीज फैमिली अगर आपको स्टेटमेंट याद हो क्वेश्चन नंबर वन का तो उसमें तिब्बतो बर्मन मैंने ऑप्शन दिया है तो ये याद रखेगा ये जो है इनकी जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती है तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग हलाम ट्राइब के बारे में आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट दूसरा जो न्यूज आर्टिकल है वो है व्हाट इज सोलार पंक व्हाट इज दोलार पंक नाउ सोलार पंक इज़ एन आर्ट मूवमेंट दैट शो केज इज हाउ द फ्यूचर माइट लुक इफ ह्यूमैनिटी गेट्स सक्सेस इन सॉल्विंग मेजर कंटेम्प्री चैलेंजेस बाय इम्फेसाइजिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन तो सोलार पंक क्या है बेसिकली एक आर्ट मूवमेंट है जो कि ये शो करता है कि फ्यूचर किस तरीके से दिखेगा अगर ह्यूमैनिटी ने कुछ जो मेजर चैलेंजेस हैं उनको कवर कर लिए या उनको क्लियर कर दिए जैसे कि कौन कौन से मेजर सस्टेनेबिलिटी चैलेंज चल रहे हैं अभी तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है क्लाइमेट चेंज का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है पोल्यूशन का अगर क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन जैसे इशूज को ह्यूमैनिटी सॉल्व कर लेता है तो फ्यूचर का क्या लुक रहेगा या फ्यूचर किस तरीके से दिखेगा वो कहलाता है सोलार पंक तो सोलार पंक डिस्क्राइब करता है मल्टीट्यूड ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग फाइन आर्ट्स लिटरेचर आर्किटेक्चर म्यूजिक फ़ैशन वीडियो गेम्स इन अ मैनर सिमिलर टू एडजस्टेंट मूवमेंट्स लाइक स्टीम पंख साइबर पंख एंड दे आर मोर ऑफ एन आर्ट मूवमेंट ये वही वाली बात है कि अलग अलग तरीके से अब आप फ्यूचर कैसा दिखाएंगे देखो फ्यूचर कैसा दिखेगा अगर सारे सस्टेनेबिलिटी के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं जैसे कि मैंने बताया क्लाइमेट चेंज अगर ख़त्म हो जाता है या <única> कहना चाहिए जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है तो फ्यूचर कैसा दिखेगा तो कुल मिलाकर के आप फ्यूचर दिखाओगे कैसे इन्हीं माध्यमों से दिखाओगे आप उनको आर्ट के फॉर्म में दिखाओगे लिटरेचर के फॉर्म में दिखाओगे आर्किटेक्चर के फॉर्म में दिखाओगे म्यूजिक के फॉर्म में दिखाओगे तो बेसिकली दिस इज़ वॉट पंक इज आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ठीक है ना आगे देखो लिखा है सोलार पंक इज हाईली कंसर्न विद टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इम लो टेक वेज लिविंग लिविंग दिस मतलब टेक्नोलॉजी तो है लेकिन लो टेक्नोलॉजिकल वे भी इंक्लूडेड रहती है सोलार पंक के अंदर ये भी आपको याद रखना है अगली जो न्यूज़ है वह है नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनवाइटेड द ओलंपिक्स कंटिजेंट ओलंपिक्स कंटिजेंट को इनवाइट किया गया है एज द स्पेशल गेस्ट एट द रेड फोर्ट ऑन फिफ्टीन्थ ऑफ अगस्त तो फिफ्टींथ अगस्त में प्राइम मिनिस्टर ने इन, आ, इन, इन, इन्वाइट किया है इंडियाज़ ओलंपिक कंटिजेंट को एज अ स्पेशल गेस्ट एट द रेड फोर्ट तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दिया इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे दो स्पोर्ट्स पर्सनल टू स्पोर्ट्स पर्सनल रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ओलंपिक्स तो याद रखेगा आगे मूव करते हैं फ्रंट पेज पे आते हैं ओलंपिक से ही रिलेटेड न्यूज है रवि दाहिया हैज इनटू द फाइनल्स एंड इट ही इज अश्योर्ड ऑफ सिल्वर मेडल एज ऑफ नाउ अभी सिल्वर मेडल है दाहिया जी का एंड इसके बाद अब जो है वो गोल्ड के लिए लड़ेंगे ही विल बी फाइटिंग फॉर द गोल्ड इसके अलावा कल का दिन और अच्छा था थोड़ा बॉक्सर लवलीना जो है शी हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स वर्ल्टर वेट कैटेगरी तो वेमेन्स वर्ल्टर वेट कैटेगरी में लवलीना को ब्रॉन्ज मेडल मिला शी कुड हैव वॉन दैट ऑल्सो बट ठीक है इट हैपन्स देन एक बुरी चीज़ ये हुई इंडिया के साथ कल की uh, जो वेमेन्स सेमीफाइनल uh, था वेमेन्स सेमीफाइनल विद द अर्जेंटीना अर्जेंटीना के साथ विमेन्स सेमीफाइनल हम वन टू से हार गए वी वर डिफेटेड बाय वन टू सो दैट वाज समथिंग हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज बहुत अच्छा खेल रही थी जो हमारे यहाँ की जो इंडिया की लड़कियाँ गई थी बहुत ही प्यारा खेल रही थी देवर प्लेइंग ब्यूटीफुली बट वी टूक अ लीड ऑल्सो वन जीरो से हम लीड पे भी थे बट उसके बाद वन वन हुआ फिर उसके बाद टू वन टू हो गया एंड दैट इज़ हाउ वी वर डिफीटेड फ्रॉम अर्जेंटीना सो एवरी थिंग इज गोइंग ऑन गुड नाउ आई थिंक दो तीन और लोग हैं अभी जो जिनसे अपन उम्मीद कर सकते चाहे बजरंग पूनिया हो इसके अलावा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा इज़ अ मैन टू लुक फॉर जैवलिन थ्रो में एंड जैवलिन थ्रो में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फॉर द फाइनल्स है ना हीज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स लेट्स प्रे एंड लेट्स होप इंडिया परफॉर्म बेटर दैन द टू थाउजेंड ट्वेल्व अभी तक इंडिया ने जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो 2012 के ओलंपिक्स में किया अगर आपको याद हो तो वी है परफॉर्मड द बेस्ट इन 2012 ओलंपिक्स 2012 ओलंपिक्स में सबसे अच्छा हम परफॉर्म किए गोल्ड मतलब इस बार भी उम्मीद है कि रवि दहिया कैन विन अ गोल्ड नीरज चोपड़ा कैन विन अ गोल्ड देर आर मेनी पर्संस हु कैन विन गोल्ड सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं नाइटम है फ्रंट पेज पर ही एक और न्यूज है आईएनएस विक्रांत को लेकर के तो लेट मी टेल यू अबाउट आईएनएस विक्रांत आईएनएस विक्रांत इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर याद रखेगा आई विक्रांत क्या है इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडीजिनस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ठीक है ना एंड इसने अपनी मेडन सेल स्टेट के, स्टार्ट किया एक्चुअली अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी ये टेस्टिंग फेज पे है अंडर कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग फेज पे चल रहा है अभी इंडिया का जो एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है वो है आई एन एस विक्रमादित्य याद रखेगा इंडिया का जो अभी तक ओनली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आई एन एस विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य अभी और अभी जो है एट प्रेजेंट ओनली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है आई एन एस विक्रांत जो है दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इंडियन नेवी बीन इंसिस्टिंग ऑन थर्ड एयरक्राफ्ट एज वेल अब इंडियन नेवी जो है वो थर्ड एयरक्राफ्ट की भी बात कर रही है आई विक्रांत जो है वो इंडिया के आत्मनिर्भर पुष्प को दर्शाता है और ऑफ ऑफ इट्स थिंग्स आर इंडिजिनस तो याद रखिएगा द विक्रांत जो है वो इंडिजिनस आइटम से बनाया गया सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अगली न्यूज है लेट्स ले, ले रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी केजरीवाल टेल्स एलजी अब हुआ क्या है देखो कि सीएम ने ने किया है जो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल उनको ये कहा है कि उन्होंने एक मीटिंग रिव्यू मीटिंग रखी थी एंड कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन के लिए तो इसके लिए सी uh, ने यह कहा है कि द uh, एल और मिस्टर बैजाल इज़ होल्डिंग पैरल मीटिंग्स बिहाइंड द बैक पैरल मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं और इस तरीके से पैरल गवर्नमेंट चला रहे हैं है ना उनका यह कहना है कि ही इज़ रनिंग द पैरल गवर्नमेंट ऑफ शॉर्ट्स और यहाँ पे इलेक्टेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है दिस इज़ व्हाट द सी एम इज सेंग एंड इसलिए उन्होंने कहा इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज वेल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी अगेंस्ट है कि इस तरीके से जो पैरल मीटिंग्स बिहाइंड द बैक ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट शुड नॉट हैपन इस तरीके की पैरल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए एंड उन्होंने कहा कि वी आर अ डेमोक्रेसी पीपल हैव इलेक्टेड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर आपको कोई क्वेरी है अगर आपके पास कोई चीज़ पूछनी है तो यू कैन आस्क यूर मिनिस्टर्स यू कैन आस्क द मिनिस्टर्स है ना तो दैट इज द थिंग विच वॉज देयर एंड लेट सी लेट मी टेल यू अबाउट एल जी एन ऑल थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ देखो सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए इंसर्ट किया गया था याद रखेगा देर वॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंसर्टेड आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए जिसने डिक्लेयर किया दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ डेली टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाई अ एल जी है ना थ अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए क्या डिक्लेयर किया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ डेली विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई एल जी हु ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जो किस तरह से काम करेगा एड एंड एडवाइस पर काम करेगा ऑन द इलेक्टेड रेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है ना फिर धीरे धीरे एल जी के अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे एल जी अपनी पावर को यूज़ करने लगे तो इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर कोई ऐसा मैटर है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कोई बड़ा डिलेमा है तो बिल्कुल प्रेसिडेंट से आप कंसल्ट कर सकते हो क्योंकि एल जी जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पर रूल करता है तो आप प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर सकते हो लेकिन कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि आप ऐसा नहीं कि कोई भी मैटर लेकर के प्रेसिडेंट के पास चले जाओगे या हर मैटर पे फिर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को अटकाने लगो और इस तरीके से आप करने लगो कि उनके काम रुक जाए आपको केवल वही क्वेश्चन लेकर के जाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल या ट्रिकी कंडीशंस हैं अगर आपके लिए अगर बहुत रेयर सिचुएशंस में आपको प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करना है या फिर रेयर सिचुएशन में आपको uh, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उसके काम को अटकाना है ठीक है ना अदरवाइज यू विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सी ओनली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट बिल 2021 ठीक है ना और इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ डेली का मतलब रहेगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा उन्होंने क्लियर कट इस बिल में कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्नर गवर्नमेंट का मतलब होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ये कहा कि डेली गवर्नमेंट से जो मैटर चाहे वो उनको डिस्कस कर सकते हैं किसी भी मैटर पे वो एल जी अगर चाहे तो काम अटका सकता है और जो काउंसिल है या जो डेली गवर्नमेंट है अगर उसको कोई भी चीज़ करनी है तो उसको ओपिनियन लेना पड़ेगा एल जी का एल जी का ओपिनियन लेना पड़ेगा तो ये कुछ चीज़ें टसल पावर टसल चल रही है जो कि हो रही है बिटवीन द सी एम एंड द लेफ्टिनेट गवर्नर इन डेली सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आपको ये पावर टसल समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है ओके okay? एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं पेज नंबर टू से ल्टरनेटिव टू स्टबल बर्निंग अब आप सबको पता है कि पॉल्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन दिया जाता है डेली पॉल्यूशन के स्पेशली वो बोला जाता है क्या स्टबल बर्निंग को स्टबल बर्निंग आप सबको पता है जब खेती होती है उसके बाद थोड़ा बहुत स्टबल जो बचता है उसको फिर जला देते हैं फार्मर्स उसको जलाते हैं उसके बाद फिर दोबारा उसमें खेती करते हैं ठीक है ना अब होता क्या स्टबल बर्निंग से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और ये काफी ज्यादा होता है स्पेशली इन द डेली हरियाणा पंजाब वाला बेल्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग होती है ठीक है ना अब आज बहुत ही आर्टिकल आया है यहां मैं आपको बताता हूं क्लीन एयर प्रोग्राम की जो है अनुमिता रॉय चौधरी उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई उन्होंने कहा देखो मेयर पेनाल्टी और अगर आपने बोला कि केवल पेनाल्टी या पनिशमेंट होगा जो लोग स्टबल बर्निंग करेंगे तो दिस विल नॉट सॉल्व आपको पहले सोल्यूशन देना पड़ेगा यू हैव टू गिव अ सोल्यूशन फर्स्ट एंड व्हेन सोल्यूशन इज प्रेजेंट देयर देन यू कैन इंपोज पेनाल्टी देखो जब तक सोल्यूशन नहीं रहेगा तो पेनाल्टी इंपोज करने से कुछ नहीं होगा सिंपल सी बात है पेनाल्टी का मतलब या पनिशमेंट का मतलब तभी आता है जब आल्टरनेटिव या सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया हो अगर आपने आल्टरनेटिव या सोल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं किया तो तो कहेगी फिर पेनाल्टी आप ले रहे हो तो यहां पर ऑथर ने तीन सोल्यूशन बताए हैं फॉर दिस डबल बर्निंग एंड राइट इट डाउन आप इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड

पैटर्न तो ये तीन चीज अगर आप करते हैं तो आप स्टबल बर्निंग से छुटकारा पा सकते हैं पहला जो तरीका है यानी कि इंस्टिट्यू जो ट्रीटमेंट है इंस्टीटू ट्रीटमेंट में क्या करते हैं गवर्नमेंट अभी कुछ इक्विपमेंट दे रहा है फार्मर्स को जैसे मान लो ये खेत है आपका और ये छोटे छोटे स्टबल्स हैं तो क्या करते हैं इनको ऐसे इक्विपमेंट दे रहा है जिनसे ये पीट पीट करके इस मल्च को सॉइल में ही मिला देंगे सॉइल में ही मिला देंगे पीट पीट करके और इसको फिर बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्टबल कैन गो बैक इन टू द सॉइल सो दैट दे डू नॉट हैव टू बर्न दैट स्टबल ठीक है ना लेकिन दिक्कत इसमें क्या हो रही है कि एवरी वन इज़ नॉट गेटिंग द मशीन्स सबको मशीन्स मिल नहीं पा रही हैं इस कारण से तकलीफ हो रही है तो गवर्नमेंट का काम अब क्या होना चाहिए कि उनको इंश्योर करना है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मशीन्स हैं वो हर गाँव तक हर लोग तक पहुँचे ठीक है ना फिर दूसरा मेथड है एक्ससी टू मैनेजमेंट या एक्सी टू ट्रीटमेंट इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कंपनीज़ हैं दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग द स्टबल फॉर देयर ओन यूज़ स्टबल का अलग अलग तरीके से यूज़ निकाल लिया गया है फॉर एग्जांपल रोड्स में इसका यूज़ किया जा सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में एवरीथिंग में तो इसके लिए कुछ कंपनीज़ जो है दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग द स्टबल फॉर देयर ओन यूज़ लेकिन यहाँ पे ऑथर का कहना है कि और एक्शन करने की ज़रूरत है और कंपनीज़ को इन्वाइट करने की जरूरत है तीसरा जो सोल्यूशन है वो अपने आप में एक सोल्यूशन एक्सप्लेन है चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी इंपैक्ट पड़ता

याद रखिएगा इसको बनाया किसने है तो इसको पब्लिक सेक्टर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि सी एस एल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और इसमें लगभग तीस एयरक्राफ्ट को रखने की जगह है थर्टी एयरक्राफ्ट कैन कम इन दिस आई एन एस विक्रांत इसके अलावा जो पहला फैक्ट मैंने आपको फ्रंट पेज में बताया था कि अभी इंडिया का एकमात्र इंडी एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर काम में है उसका नाम है आई एन एस विक्रमादित्य तो दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं एडिटोरियल पे आते हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी का आर्टिकल है बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है आर्टिकल का नाम है अ लैंग्वेज लैडर फॉर एन एजुकेशनल रेड रोड ब्लॉक अब यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली डिसीजन लिया गया है ऑफ फोर्टीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस एट स्टेट्स टू ऑफर कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस तो अभी रिसेंटली डिसीजन लिया गया है कि चौदह इंजीनियरिंग कॉलेज जो अक्रॉस एट स्टेट्स आठ स्टेट्स के अक्रॉस में जो कि ऑफर करेंगे कोर्सेज को रीजनल लैंग्वेज में ठीक है ना सेलेक्टेड ब्रांचेज में रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द न्यू अकेडमिक ईयर काफ़ी हिस्टोरिक मूवमेंट है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी कहते हैं इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट एंड इन इन द एकेडमिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री अब इसके बाद उन्होंने क्या क्या इसके एडवांटेजेस बताए मैं लेट मी टेल यू वन बाय वन रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी ये कहा है कि बीटेक प्रोग्राम्स को 11 नेटिव लैंग्वेजेस में दे विल बी परमिटिंग द बीटेक प्रोग्राम इन 11 नेटिव लैंग्वेजेस इन ट्यून विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ध्यान हो उसमें भी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को काफी पुष्ट दिया गया है तो उन्होंने ऑथर का कहना है कि काफी अच्छा डिसीजन है एक वेलकम स्टेप है कि आई ए आई प्रोग्राम को भी अब रीजनल लैंग्वेज में या नेटिव लैंग्वेजेस में करेगा ठीक है ना एंड इट विल ओपन अ डोर टू अल न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम मराठी मीडियम तमिल तेलगु कन्नडा गुजराती मलयालम बंगाली असामीज पंजाबी उड़िया अलग अलग मीडियम के जो ये बच्चे हैं इनको काफी फायदा होने वाला है ठीक है ना इट विल ओपन अ वर्ड टू दैम नाउ प्राइम मिनिस्टर इन इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही ऑल्सो हेल्ड दिस पॉइंट एंड उन्होंने कहा कि मदर टंग में एजुकेशन कैन गो इन लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाला स्टेप है इट विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर रूरल एंड ट्राइबल बैकग्राउंड जो पुअर रूरल एंड ट्राइबल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अब वो बच्चा जो मराठी मीडियम के बिल्कुल वैसे स्कूल में पढ़ा होगा uh, सरकारी टाइप के स्कूल में पढ़ा होगा उसको अचानक से ट्वेल्थ के बाद अगर कहो कि इंजीनियरिंग करनी है या करना है इंग्लिश में तो दैट इज अ बिग टास्क फॉर हिमर या फिर किसी भी बंगाली मीडियम का हो असामीज मीडियम का हो तेलुगु मीडियम का हो तमिल मीडियम का हो इनफैक्ट हिंदी मीडियम का हो कोई भी बच्चे को अगर आप कहेंगे अचानक से कि इंग्लिश मीडियम में चला जाए दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम बट हम उसको समझते नहीं है और आज तक हमारे इंडिया में वही चल रहा है जो एंजलिस्ट uh, अप्रोच है कि हम उसको आज भी वही बोलते हैं कि आप uh, इसी लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करो इंग्लिश में सारा कोर्स सारी किताबें अचानक से इंग्लिश हो जाती हैं तो ये दैट uh, uh, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देता है बट वही चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से प्रोवाइड होगा एजुकेशन इन द नेटिव लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज दैट कैन इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स फ्राम रूरल पुअर एंड ट्राइबल बैकग्राउंड ठीक है ना यहाँ पे ऑथर ने कहा कि मदर टंग भी प्रमोट होगी और मदर टंग को प्रमोट करने के लिए और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे विद्या प्रवेश प्रोग्राम विद्या प्रवेश प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है विद्या प्रवेश प्रोग्राम तो ये भी मदर टंग को प्रमोट करेगा एंड ऑथर ने कहा कि देखो मदर टंग से एजुकेशन जो प्रमोट होता है इसके लिए बहुत लोगों ने पिच किया है अगर सी रमन जी का देखो यहाँ पर सी रमन को कोट करते हुए बोला उन्होंने कि वी मस्ट टीच साइंस इन आवर मदर टंग अदरवाइज साइंस विल बिकम अ हाइब्रो एक्टिविटी इट विल बी नॉट बी एन एक्टिविटी इन विच ऑल द पीपल कैन

जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया तो आप इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके सोशल एडवांटेज हैं इसके इकोनॉमिक एडवांटेज होंगे ऑब्वियसली बात है जो लोग आप मदर टंग में करेंगे वो और अच्छे से इकोनॉमिकली फाइट कर सकते हैं इकोनॉमिक एडवांटेज है पोलिटिकल एडवांटेजेस है, है इसके पोलिटिकल एडवांटेजेस है पोलिटिकल पार्टी के लिए एडवांटेज है जो रूलिंग पार्टी उसके लिए एडवांटेज है तो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस हैं एंड दैट इज द थिंग विच यू हैव टू राइट इन द आंसर्स ऑल्सो ठीक है also, ना ऑथर ने कहा यही कि बहुत देखो Uh, अगर आप इंटरनेशनल एग्ज़ाम्पल्स देखो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो हर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी लैंग्वेज को प्रिफ़र करती है जैसे अगर आप साउथ कोरिया का एग्ज़ाम्पल लो तो साउथ कोरिया में सेवेंटी परसेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोरियन में पढ़ाती हैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती कोरियन में पढ़ाती हैं ठीक है ना अगर आप जापान का एग्जाम्पल हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मोर मोर देन हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे प्रोग्राम दे टीच इन जापानीज चाइना में भी यूनिवर्सिटीज़ यूज मैंड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूरोप में अगर फ्रांस और जर्मनी को देखो तो जर्मनी जर्मन German और फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करती है फ्रेंच में तो स्ट्रिक्टली फ्रेंच ऑनली पॉलिसी है फ्रांस में स्ट्रिक्टली फ्रेंच ऑनली पॉलिसी है और वो फ्रेंच को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इन द स्कूल्स एज वेल तो स्कूल्स में भी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये लगते हैं तो ऐसे में हर कंट्री अपनी रीजनल लैंग्वेज को या लोकल लैंग्वेज को तो प्रमोट कर ही रही है ऐसे में इंडिया जो कि एक कहना चाहिए कि एक मेल्टिंग पॉट टाइप का है कि अलग अलग लैंग्वेजेस का मेल्टिंग पॉट है इंडिया में भी यही होना चाहिए और हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर रीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर व्यक्ति इक्वल है हर रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ठीक है आप हिंदी जानते रहिए हिंदी को आप सेकेंड थर्ड लैंग्वेज रखिए आप उसको जानिए हिंदी एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है इंडिया की आप उसको रखिए आप उसको जानिए लेकिन उसकी जो रीजनल लैंग्वेज उसकी जो लोकल मदर टंग है वो भी जानिए इंग्लिश भी आप जानिए बाद में आप इंग्लिश भी पढ़िए आप अपने तरफ अपने पर्सनल uh, लेवल पे इंग्लिश पढ़िए देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप या कोई भी व्यक्ति बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो है ना? कोई ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए कि को कोई मना कर रहा है। आप लेकिन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज भी आप है ना? Also, उसमें कोई वाली बात नहीं दैट इज एक्चुअली अ प्राउड थिंग एंड नो एज मैनी लैंग्वेजेज यू कैन यहां पे वेंकैया नायडू जो यही बोलते हैं नो एज मनी लैंग्वेजेज एज यू कैन दैट इज दैट यू कैन डू पॉलीग्लॉट बोलते हैं जो व्यक्ति अलग languages polyglot, तो to, अलग लैंग्वेजेस बोल लेता है पॉलीग्लॉट तो यू हैव टू यू शुड बिकम अ पॉलीग्लॉट आप सबको पॉलीग्लॉट बनना चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस आप सीखने का आप क्रेज़ रखिए और सीखते रहिए है ना मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग है ना चलो आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इंग्लिश हिंदी या आप, उसके अलावा इंग्लिश हिंदी के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है अगर आपको असमीज आती है बंगाली आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है ना डू टेल मी दैट विच अदर लैंग्वेजेज यू नो ठीक है ना तो लेट्स सी जो सबसे अधिक लैंग्वेज जानेगा जो व्यक्ति और प्लीज बी बी ब्रूथफुल आप में जो सबसे अधिक लैंग्वेज जानेगा कल मैं डेफिनेटली उसका नाम लूंगा और उसको बताऊंगा उसको उसको मतलब आई विल जस्ट्रेट कंग्रेचुलेट हिम फ्रॉम हिम और हर फ्रॉम माय साइड ठीक है ना सो दैट आई विल डू अब यहाँ पे ऑथर ने ये कहा कि एक और चीज़ है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है वो है कि क्लास फिफ्थ तक का जो एजुकेशन होगा यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है जो फाइव थ्री थ्री फोर वाला फंड है उसमें जो पहला फाइव है वो जो है वो मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा तो ये भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव है और ये एक वेलकम स्टेप है अब ऑथर ने इसके अलावा ये भी कहा कि एक प्रॉब्लम इसमें जो आएगी वो ये आएगी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें जो कंटेंट है कंटेंट कंटेंट अवेलेबिलिटी बहुत कम है यानी कि कंटेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं है दूसरी चीज उनमें कहना चाहिए कि जो जो बुक्स बनी है वो अच्छी नहीं बनी है या बुक्स बनी ही नहीं है कुछ कुछ केसेस में तो बुस बनी ही नहीं है ऐसे में ए यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने आई मद्रास के साथ मिलकर के एक कोलेबोरेशन किया जिसमें उन्होंने कहा कि स्वयं यानी कि जो स्वयं कोर्सेज़ हैं स्वयं के कोर्सेज को वो ट्रांसलेट करेंगे इन द एट रीजनल लैंग्वेजेस आठ रीजनल लैंग्वेजेस में वो ए और आई आई टी मद्रास जो है वो कोर्सेज को ट्रांसलेट करेंगी आठ कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहेंगी वो तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा बंगाली मराठी मलयालम एंड गुजराती सो दिस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और ये काफी बड़ा बूस्ट रहेगा ट्रांसलेट करेंगी तो काफी अच्छा एक कंटेंट भी बनेगा हाई क्वालिटी कंटेंट भी बन के सामने आएगा एंड ये जो स्टेप है दिस विल बी स्टेप फॉर डेमोक्रेटाइजिंग द हायर एजुकेशन बहुत अच्छा टर्म है डेमोक्रेटाइज द हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने का टर्म है तो दैट इज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई थिंक मैं आपको समझाने में सफल रहा काफी प्यारा आर्टिकल था समझ में आ गया होगा आपको आप आंसर लिखिएगा जरूर दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वह नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक अब यहां पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है एक एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इंट्रोड्यूस किया है एक एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ देयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज और उन्होंने ये कहा है कि जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज रहेंगी उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं दे कैन नॉट गो ऑन टू स्ट्राइक दे कैन नॉट गो ऑन टू स्ट्राइक याद रखिएगा दे कैन नॉट गो ऑन टू स्ट्राइक जितने भी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं वो लोग स्ट्राइक में नहीं जा सकते ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्म फोर्सेज के लोग अभी भी स्ट्राइक में नहीं जा सकते है ना एंड दिस बिल प्रोहिबिट द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन एनी इंडस्ट्रियल establishment जिसको कि essential सर्विस mention कर दिया जाएगा तो अगर essential सर्विस आपको मैंशन कर दिया गया तो फिर आप यू cannot नॉट इंगेज into सेल्फ इन टू द स्ट्राइक्स एंड ऑल ठीक है ना अब ऑथर ने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है जिसमें कि गवर्नमेंट ने स्ट्राइक्स को मना किया है एंड इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 क्लियरली बोलते हैं कि जो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो तो क्लियरली कहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का तो सिविल सर्विस रूल नाइनटीन बोलता है एनी गवर्नमेंट सर्वेंट एंड डायरेक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ दे कैन नॉट गो ऑन टू स्ट्राइक दे वो स्ट्राइक में जा ही नहीं सकते है ना या फिर अनऑथराइज uh, एबसेंस नहीं कर सकते अपने वर्क से आई स्ट्राइक अंडर दिस रूल इंक्लूड टोटल और पार्शल ऑफ वर्क अब स्ट्राइक का मतलब क्या होता है स्ट्राइक का मतलब होता है आइदर यू आर टोटली और पार्शली सीसेशिंग योर वर्क और यू आर पेनिंग डाउन स्ट्राइक पेन डाउन स्ट्राइक बोलते हैं जिसमें आप पेन उठाने से मना कर देते साइन करने से मना कर देते पेन डाउन स्ट्राइक बोलते हैं ट्रैफिक जैम अगर आपने ट्रैफिक जाम चक्का जाम यह सब कर दिया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच इज रिटायर्डिंग और इनहिबिटिंग द गवर्नमेंट वर्क कोई भी ऐसा काम जो कि रिटायर्ड कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है गवर्नमेंट वर्क को दैट ऑल कम्स अंडर द स्ट्राइक एंड इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज सर्विस रूलटीन इट इज क्लियरली मैंशन गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थर्टी थ्री आप सब जानते होंगे जिसमें पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज और द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सो एस टू इंश्योर द प्रोपर

ताकि वो अपनी ड्यूटीज करते रहे क्योंकि ऑब्वियसली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए सर्विसेज रहती हैं और इनका स्ट्राइक पे जाना सही नहीं है है ना देर फोर दे के नॉट डू एंड इसमें फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कि भैया आर्टिकल नाइनटीन हमको फ्रीडम देता है है ना ये फ्रीडम आपको नहीं मिलती विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सी बात है एक कोर्ट था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नॉट एक्ट इन रिस्पॉन्सिबिली आप रिस्पॉन्सिबिली एक्ट नहीं कर सकते हो एंड ये चीज महात्मा गांधी ने भी बोली ऑथर ने कोर्ट किया है महात्मा गांधी को कोर्ट किया है इसमें महात्मा गांधी ने कहा है कि पुलिस शुड नेवर गो ऑन स्ट्राइक देखो लिखा हुआ है गांधी जी सेट दैट पुलिस शुड नेवर गो ऑन स्ट्राइक यू आर नॉट जस्ट द वेज अर्नर्स आप केवल वेज अर्नर्स नहीं हो बट यू आर ऑल्सो द मेबर्स ऑफ एसेंशियल सर्विस है ना दे आर ऑल्सो द मेबर्स ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन नॉट एक्ट इन रेस्पॉन्सिबल इन दिस मैटर ठीक है ना और दीज आर द थिंग्स विच वर्कल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दट आप क्वेश्चन में आ गया होगा अगली न्यूज है एयर क्वालिटी कमीशन बिल फॉर नेशनल कैपिटल रीजन क्लियर अब यहां पे लोकसभा ने एक बिल क्लियर किया है जिसमें एक फॉर्मली एक बॉडी बन रही है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट याद रखिएगा एक फॉर्मल बॉडी बन रही है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको बनाया जा रहा है याद रखेगा दिस दिस इज बिकमिंग एन स्टेट्यूटरी बॉडी नाउ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये नेशनल कैपिटल रीजन के लिए बनेगी एड एड ज्वाइनिंग रीजन के लिए एंड इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन रहेगा कुछ मेंबर्स रहेंगे, एंड दिस मेंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द मिनिस्ट्रीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ठीक है ना मिनिस्ट्रीज के भी रहेंगे और एक्सपर्ट्स भी रहेंगे ठीक है ना दे विल बी लुकिंग एट द पोल्यूशन लेवल ऑफ डेली एंड एट ज्वाइनिंग रीजनस एंड ऑल हुआ क्या था ये ऑलरेडी बॉडी बनाई गई थी पहले दो हज़ार बीस में दिस बॉडी केम इन टू बींग इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेकिन ऑर्डिनेंस से आई थी इसलिए छः महीने छः हफ़्ते तक मतलब जब पार्लियामेंट दोबारा मिलती है उसके छः हफ़्ते के अंदर का तो इसको रिकनवीन करना पड़ता है ना इसको बिल बनाना पड़ता है अदरवाइज ये सीज़ करती है एग्जिस्ट करने से तो ये एक्सपायर कर गई थी और बात है छः हफ्तों के अंदर काम नहीं हो पाया तो एक्सपायर कर गई अब नाउ दे हैव मेड दिस इंटू अ फॉर्मल बॉडी लेट सी हाउ दिस वर्कस नाउ ये बेसिकली रीजन्स जो है नियर बाय रीजन्स दिल्ली पंजाब राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश ये बॉडी उनके लिए काम करेगी और इसमें बहुत सारे पावर्स हैं फॉर एग्जाम्पल दे कैन लिव द फाइन्स टू रूपीज वन करोड़ और फाइव ऑफ प्रस ये सब काम भी इसके अंदर रहेंगे तो काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी बनाई गई है ठीक है ना नाउ ट्विटर वायुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अब ये न्यूज ऐसे ही आई थी लेकिन मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बता देता हूँ देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है ये कॉमन लॉ से लिया गया है सिंपल सी बात है कॉमन लॉ से लिया गया है इसका सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो कि फेयरनेस एंड सिक्योरिंग जस्टिस दो इसके फीचर है फेयरनेस फेयरनेस को प्रमोट करता है प्लस सिक्योरिंग जस्टिस फेयरनेस एंड सिक्योरिंग जस्टिस दीज आर दू मेजर फीचर ठीक है ना अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है बेसिकली इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स है दो पिलर है इसके देर टू मेजर पिलर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पहला है ऑडी आल्ट्रम पार्टम याद रखेगा ऑडी आल्ट्रम पार्टम दिस इज द फर्स्ट यानी कि नो वन कैन बी लेफ्ट अनहर्ड यानी कि अगर आपने दो लोगों के बीच में केस है एक को सुना है एक के एग्रीमेंट सुने हैं एक के आर्ग्यूमेंट सुने हैं एक के एविडेंसेस देखे हैं तो दूसरी पार्टी के भी आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए उसके पहले आप उसको uh, गिल्टी नहीं घोषित कर सकते हो विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी सो दिस मैग्जिम इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ फेयर हियरिंग रूल ऑफ फेयर हियरिंग ऑडी एल्टरम पार्टी याद रखेगा ऑडी एल्टरम पार्टम दूसरा जो प्रिंसिपल है दूसरा जो इसका वो मेजर प्रिंसिपल वो है नेमो जुडेक्स इन कॉसा नेमो जुडेक्स इन कॉसा कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज केस नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस तो बेसिकली इट इज द ड्यूटी टू एक्ट फेयरली इट इज गिविंग ड्यूटी टू एक्ट फेयरली टू लिसन टू द आर्ग्यूमेंट एंड रीच अ डिसीजन इन अ मैनर दैट इज अनबायस्ड अनबायस्ड मैनर में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है फेयरनेस के साथ डिसीजन मेकिंग करनी है अगर आपने आज की न्यूज एक और देखी तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस एन वी रामना है उन्होंने खुद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के केस से रिक्यूज कर लिया उन्होंने कहा कि भैया मैं ये केस नहीं इस बेंच में नहीं

आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है आइटम्सेंट फंड ऑन गोइंग एमपी प्रोजेक्ट लैब्स अब हुआ क्या था देखो आपको पता होना चाहिए कि दो साल तक यानी कि ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है उसका फंड रिलीज नहीं किया गया था डाइवर्ट कर दिया गया था टू द कोविड नाइनटीन मैनेजमेंट ठीक है ना हुआ क्या इसके बाद कि अभी रिसेंटली 16 मार्च 2021 को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी उसने कहा कि भैया एमपी लैट्स के लिए आप फंड uh, एलोकेट करो तो तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बाईस करोड़ रुपए निकाल दिए 22 मार्च को अमाउंट ट्रांसफर की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री एक्चुअली एमपीलेट्स जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स इंप्लीमेंटेशन के अंदर ही आती है याद रखेगा तो उनको बाईस करोड़ रुपए बाईस मार्च को दिए गए और कहा गया कि इकतीस मार्च तक सात दिनों के अंदर आपको बाईस करोड़ यूटिलाइज करने अब ऑब्वियसली बात है सात दिनों के अंदर कैसे यूटिलाइज करेंगे उनमें से ग्यारह करोड़ तो यूटिलाइज हो गए लेकिन एक

कि पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी, थी स्कीम लेकिन 1994 अक्टूबर में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में ट्रांसफर कर दिया गया हर एमपी को रुपीज फाइव करोड़ एनुअली दिए जाते हैं दो इंस्टॉलमेंट्स है। 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 में दिए जाते हैं टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आर देयर जिसमें यह पैसा दिया जाता है अगर लोकसभा का मेंबर है तो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में कर सकता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है तो अपने स्टेट में कर सकता है डेवलपमेंट वर्क किसी भी जगह पर एंड नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो स्टेट में या अपनी राज्यसभा लोकसभा दोनों के ही उस एरियाज़ में कर सकता है तो ये आपको याद रखना है दिस इज हाउ इट वर्क टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आर देयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन याद रखिएगा इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज दैट याद रखना इसको है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है आर टी इंटाइटलमेंट टू बी पेड थ्रू कैश ट्रांसफर्स अब यहाँ पे कैबिनेट ने क्या किया समग्र शिक्षा स्कीम को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है तो समग्र शिक्षा जो याद रखने का ये इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर इलेवन पॉइंट सिक्स लैख गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल इलेवन पॉइंट सिक्स लैख गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स के लिए जिसमें लगभग पंद्रह करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं एंड फिफ्टी सेवन लाख टीचर्स आर देयर इट इनवॉल्व सिक्सटी फोर्टी स्प्रिट तो समग्र शिक्षा में साठ चालीस का चलता है साठ सेंटर चालीस स्टेट याद रखेगा जो शेयरिंग होती है एक इंटीग्रेटेड स्कीम है ये भी याद रखेगा ये एंड Uh, अब क्या है कि चिल्ड्रन तक डायरेक्ट इन्हांस इन, वो हो पाए आउटरीच पड़ पाए इस कारण से जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत या जो राइट टू तो एजुकेशन के अंदर जितना भी इंटाइटलमेंट है वो डीबीटी के थ्रू होगा डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर मोड के थ्रू होगा है ना दैट विल बी द थिंग और इसमें आर टी इंटाइटलमेंट्स रहेंगे जैसे टेक्स्ट बुक के लिए देना है यूनिफॉर्म्स के लिए देना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस देना है तो ये डी बी टी के थ्रू किया जाएगा ठीक है ना दिस इज द थिंग विच हैज बिन सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट हैज़ अप्रूव दिस थिंग ठीक है ना कैबिनेट ने इसको शिक्षा स्कीम को एक्सटेंड भी कर दिया टू टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स तक दो हजार छब्बीस तक के लिए होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं इथियोपिया सस्पेंड्स टू एड ग्रुप्स इन तिगरे अब यहाँ पे इथियोपिया के जो गवर्नमेंट है उसने दो एड ग्रुप्स को सस्पेंड uh, कर दिया है अब एक्चुअली आप सबको पता होगा तिगरे जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है इस रीजन में है ना दैट इज़ अ थिंग विच यू मस्ट बी नोइंग यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट तो यहाँ पर uh, तिगरे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँगी कि वहाँ फाइटिंग चली थी तो और की जो लोकल रेबल ग्रुप्स हैं उनकी और जो इथियोपियन गवर्नमेंट हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस स्टेबिलिटी uh, आ गई थी डिस्टेबलाइजिंग कंडीशन थी और इथियोपियन सोल्जर्स वर फाइटिंग इन टिगरे फॉर द इथियोपियन गवर्नमेंट इथियोपियन गवर्नमेंट के लिए टिगरे में सोल्जर्स लड़ रहे थे इथियोपियन और उधर वर इर, सोल्जर्सो इन्वॉल्व इरिट्रिया के साथ बॉर्डर शेयर करता ही है इरिट्रिया के भी सोल्जर्स लड़ रहे थे कुछ रेबल ग्रुप्स जो लोकल रेबल ग्रुप्स थे वो भी लड़ रहे थे और काफी ज्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा है अ पुश फॉर रिफॉर्म्स पावर स्ट्रगल एंड पुश फॉर फॉर रिफॉर्म्स इज गोइंग ऑन ठीक है ना इसको याद रखेगा अब आप ये मैप देख सकते हैं इसमें आपको इरित्रिया दिख रहा है ना ये ये जो रीजन है ये इरित्रिया रीजन है है ना ये इरित्रिया का रीजन है और ये इथियोपिया है इरित्रिया और इथियोपिया के बीच में देखो यहां पे तिगरे आ रहा है और इसमें दो रीजन काफी इंपॉर्टेंट है एक आपको ह्यूमेरा रीजन आपको दिख रहा होगा ये भी आपका इसी पार्ट में आता है ह्यूमेरा रीजन और इधर आपको दिख रहा होगा अमहारा रीजन अमहारा रीजन और ह्यूमेरा रीजन दोनों जगह पे काफी ज्यादा एट्रोसिटीज हुई थी ये लोकेशन याद रखना अमहारा या ह्यूमेरा करके अगर कोई लोकेशन आती है जो कि यूपीएससी पूछता रहता है तो आप इसको जरूर मिस मत करेगा एरित्रिया के साथ याद रखेगा इधर नीचे इथियोपिया का बॉर्डर है ये जो बॉर्डर बॉडी है कौन सी वाटर बॉडी है रेड सी है इसको याद रखना यह

है सूडान की यहाँ पे कैपिटल यहाँ खartoum आपको दिख रही होगी इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ दैट रीजन ठीक है ना तो ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे पूरी लड़ाई चल रही है सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस पार्ट आगे मूव करते हैं देखते हैं कुछ और अगर न्यूज़ आइटम्स है तो हम देखते हैं सो so, या yeah. सर्विसेज सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ थर्ड स्ट्रेट मंथ पीएमआई अब पीएमआई क्या है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है सिंपल सा फंड है आईएचएस मार्केट ग्रुप उसको निकालता है और अभी जो निकाला गया उसमें एक याद कि पीएमआई में पचास जो है वो बेंचमार्क होता है पचास से नीचे कॉन्ट्रैक्शन पचास से ऊपर एक्सपेंशन अगर पचास से नीचे वैल्यू आ, तो आ रही है तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन है और अगर पचास से ऊपर आ रही है तो एक्सपेंशन है तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों है क्योंकि पचास से कम की वैल्यू आई है देखो यहाँ पे लिखा भी है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव फोर की वैल्यू आई है सर्विस सेक्टर के लिए सर्ट इन अगला जो न्यूज है वो है सर्ट इन के रिगार्डिंग व्हाट इज द सर्ट इन अब सर्ट इन ने ट्रैक किया लगभग छह लाख साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को ट्रैक किया है सर्ट इन है क्या ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है याद रखिएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इट इज एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज अ नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी तो याद रखेगा ये नोडल एजेंसी जो कि डील करता है विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग एंड इट द सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन तो इंडियन इंटरनेट डोमेन का सिक्योरिटी को ये टाइट करने का काम करता है और हैकिंग और फिशिंग जैसे इंसिडेंट से डील करता है ठीक है ना सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक लेर वीडियो लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन आज टुडे आज के जो थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ पहला सवाल पूछा था हलाम ट्राइब के बारे में तो याद रखिएगा इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं दूसरा सवाल पूछा था हाइपर विटामिनोसिस तो पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है आठ कंट्रीज के साथ बॉर्डर लिखा हुआ है और दूसरा जो है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है तो बी विल बी भी आंसर दैट इज इट फॉर द डे आई होप यू लाइक अर वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे